नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी परीक्षाओं को लेकर लगातार छात्रों के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बाद अब रेलवे की तरफ से अपना बयान जारी कर दिया है। तो छात्रों के द्वारा लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ने एनटीपीसी और ग्रुप डी श्रेणी 1 की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। रेलवे ने प्रदर्शनकारी परीक्षार्थियों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति बनाई है। यह समिति विरोधी छात्रों की आपत्तियां सुनेगी और उन पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपेगी। बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ अभ्यर्थी पिछले 3 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यह विरोध तब और बढ़ गया जब रेलवे ने सोमवार को ग्रुप डी भर्ती में सीबीटी यानी कि जो पहली परीक्षा हुई उसके बाद दूसरी परीक्षा कराने की बात कह दी। इधर रेलवे की तरफ से यह भी बताया गया है कि एक समिति बनाई गई है जो परीक्षाओं में सफल और असफल होने वाले परीक्षार्थियों की आपत्तियों की जाँच करेगी। रेलवे की तरफ से दोनों पक्षों की शिकायतों की चिंताएं सुनने के बाद समिति रेल मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपेगी। इससे पहले मंगलवार को रेलवे ने एक नोटिस जारी कर परीक्षार्थियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ सहित अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने वाले रेलवे में भर्ती पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा जाएगी। यह चेतावनी बिहार में कई जगहों पर प्रदर्शनकारी परीक्षार्थियों के रेलवे पटरियों पर धरने पर बैठने के मद्देनजर आई थी। बता दें कि गुस्साए अभ्यर्थियों ने आज यानी कि 26 जनवरी 2022 को एक विशाल आंदोलन करने का ऐलान किया था। रेल रोको आंदोलन को देशव्यापी बनाने के मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के पास भेजा जा रहा था। अभ्यर्थियों ने इस आंदोलन के माध्यम से एनटीपीसी रिजल्ट में संशोधन, आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में सीबीटी 2 हटाने की मांग, रेलवे भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने सहित कई अन्य मुद्दों पर चक्का जाम करने का फैसला लिया था। एनटीपीसी रिजल्ट के तरीकों को लेकर अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है। इनकी मांग है कि 7 लाख रोल नंबर के बजाय 7 लाख अभ्यर्थियों को पास किया जाए, यानी कि 20 गुना यूनिक रोल नंबर के साथ रिजल्ट जारी किए जाए। रिजल्ट में संशोधन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल पर जमकर बवाल काटा। अभ्यर्थियों ने नई दिल्ली हावड़ा रेलखंड पर करीब 8 घंटे तक ट्रेनों के परिचालन को रोके रखा। हालांकि युवाओं के इस प्रदर्शन के बाद रेलवे की तरफ से सफाई दी गई, जिसमें कहा गया कि कानूनी तौर पर एक अभ्यर्थी को एक से ज्यादा पदों के लिए आवेदन करने से रोका नहीं जा सकता। यह आंदोलन तब और व्यापक हो गया जब रेलवे भर्ती बोर्ड ने सोमवार को नोटिस जारी कर ऐलान किया कि ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा में सीबीटी 2 की परीक्षा होगी। सीबीटी 1 में पास होने वाले अभ्यर्थियों को सीबीटी 2 देना होगा। सीबीटी 2 के पास होने के बाद पीटीई व मेडिकल होगा, जबकि अभी तक अभ्यर्थी यह समझ रहे थे कि सीबीटी 1 में पास होने के बाद उन्हें पीटी देना होगा। हालांकि रेलवे ने 2019 में जारी ग्रुप डी भर्ती लेवल 1 के नोटिफिकेशन में यह साफ लिखा था कि सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिंगल स्टेज में करवाना है या फिर मल्टी स्टेज में, यह तय करने का अधिकार रेलवे प्रशासन के पास रहेगा। अब रेलवे ने नोटिस जारी कर यह स्पष्ट कर दिया है कि ज्यादा आवेदनों के चलते सीबीटी 2 चरणों में कराए जाएंगे। इस परीक्षा के लिए लगभग 1,17,00,000 छात्रों ने आवेदन किया था। इनके माध्यम से 1,03,000 पदों को भरा जाना है। इनकी परीक्षा 23 फरवरी को शुरू होनी है। सोशल मीडिया पर ग्रुप डी अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती निकलने के 3 साल बाद परीक्षा आयोजित की जा रही है। अगर अब सीबीटी 2 होगा तो नियुक्ति मिलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब सीबीटी 2 कराना गलत होगा। छात्रों के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसमें कहा गया है कि कुल वैकेंसी 35,281 है। इसमें ग्रेजुएट उम्मीदवार सभी वैकेंसी के लिए योग्य हैं, जबकि 12वीं पास 10,603 वैकेंसी के लिए योग्य होंगे। ग्रेजुएट अभ्यर्थियों ने उन 10+2 वाली कैटेगरी को भी चुना है। कानूनी तौर पर हम किसी भी उम्मीदवार को एक से अधिक पद की कैटेगरी में चयन करने से नहीं रोक सकते। परीक्षा के नियम और नोटिफिकेशन के मुताबिक हमने हर लेवल की वैकेंसी का 20 गुना चुना है। तो रेलवे ने अपनी तरफ से साफ साफ सफाई दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने हर कैटेगरी के लिए 20 गुना अधिक छात्रों का चयन किया है। हालांकि छात्रों का कहना है कि आपने उतने छात्रों का जो है रिजल्ट नहीं दिया है जितने के आने चाहिए थे। उन्होंने एक यूनिक नंबर का जिक्र किया, जिसमें कहा कि आपने 7 लाख यूनिक नंबर यानी कि रोल नंबर दिए हैं, जबकि 7 लाख आपको अभ्यर्थियों को पास करना था। तो अभी दोनों के बीच में सामंजस्य की स्थिति नहीं बनी है। हालांकि रेलवे की तरफ से एक कमेटी का गठन कर दिया गया है जो कि यह बताएगा कि छात्रों की क्या मांग है और रेलवे अपनी तरफ से क्या पक्ष रखता है। आने वाले दिनों में यह साफ हो पाएगा कि रेलवे यानी कि एनटीपीसी की जो परीक्षा है उसको लेकर क्या निर्णय
हो पाता है। फिलहाल छात्र ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे की तरफ से जो बात सामने आई है उसके बाद से उम्मीद करते हैं छात्रों का यह प्रदर्शन थोड़ा शांत होगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।